पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि वांग की बॉडी हॉस्पिटल से गायब हो गई है और एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वांग की फैमिली ने उसका अंतिम संस्कार जल्दी से कर दिया है क्योंकि उन्हें किसी ने बहुत सारे पैसे दिए हैं। ये होने के बाद उसकी फैमिली फ्यूनरल हॉल से चली जाती है और जब तक जो और यांग वहाँ पे पहुँचते हैं तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है और उनके हाथों से एक और प्रूफ चला गया होता है। रात के वक्त फिर यांग चेन और जू मिलकर बात करते हैं और जू बोलता है कि थक गया हूँ मैं इन सारी बातों से, हम कितना भी ट्राई कर ले फिर भी हम जीत नहीं सकते, हमारे हाथों में से ये लोग प्रूफ छीन कर जा रहे हैं और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। यांग बोलता है कि ठीक है मैं सब कुछ अकेले संभाल लूंगा, तो चेन उसे डांटता है कहकर कि अब तक उन्होंने तुम्हें खत्म नहीं किया क्योंकि तुम एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तुम भी छोड़ दो इस केस को, अपनी बीवी और बेटे के बारे में सोचो, उनका ख्याल कौन रखेगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। और यांग भी चेन और जू की बातों से अग्री करता है और वो डिसाइड करता है कि वो भी अब इस केस को छोड़ देगा। अब यांग ने तो इस केस को छोड़ दिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब यांग अपने ऑफिस से निकलता है घर जाने के लिए तो उसके ऑफिस के सामने लांग रुका होता है। यांग उसे इग्नोर करता है तो लांग उसे बोलता है कि अच्छा तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है क्या, ठीक है मैं तुम्हारे बेटे शाव से ही बात कर लूंगा। और यांग उससे पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें, लांग बोलता है कि मेरी कार में बैठो मुझे तुमसे बात करनी है और लांग यांग को एक क्लब में लेके जाता है। क्लब में कुछ लड़कियां यांग को हाथ लगाती है और वो जल्दी से पीछे हट जाता है तो लांग लड़कियों को बोलता है कि नहीं नहीं उसे हाथ मत लगाओ, वो एक जिम्मेदार गवर्नमेंट सर्वेंट है। यांग पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, तो लांग बोलता है कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और टेबल पे एक पैसे से भरी हुई बैग रख देता है। यांग बोलता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए और वहां से वो चला जाता है। अगले दिन जब यांग अपने ऑफिस में होता है तो उसके सीनियर्स उसे एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें किसी ने टिप दी है कि कल तुम रिश्वत ले रहे थे। यांग बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो उसके सीनियर्स क्लब में के फोटोस टेबल पे रख देते हैं जिसमें क्लियरली दिखता है कि यांग के सामने एक पैसे से भरी हुई बैग है और यांग चिल्लाता है कि नहीं मुझे कोई जानबूझकर फंसा रहा है। सीनियर्स बोलते हैं कि हमने क्लब में भी पूछताछ की और वहां काम करने वाली लड़कियों ने हमें बताया कि तुम हमेशा क्लब में जाते थे और अभी हमें कॉल भी आया है कि तुमने जो पैसे रिश्वत में लिए हैं वो तुम्हारे ऑफिस में मिल गए हैं। हमें तो पता ही है कि ये सब कौन कंपनी और लांग का काम है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि यांग कल क्लब में सिर्फ 10 मिनट के लिए था और उतनी देर में उसकी किसी ने फोटोज क्लिक की है, उसके बारे में झूठी कहानी किसी ने बनाई है और अब पैसों से भरी हुई बैग यांग के ऑफिस में भी किसी ने रख दी है। यांग अपने सीनियर्स को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ये सब झूठ है, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि यांग को नौकरी से निकाला जाएगा और यांग को फिर अरेस्ट किया जाता है रिश्वत लेने के केस में। जिंग को जब पता चलता है कि यांग को अरेस्ट हुई है तो वो चाओ को जाके बोलती है कि तुम्हें यांग को हेल्प करनी ही होगी और चाओ मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो फिर यांग का लॉयर बनता है। हम अभी के टाइम में आते हैं जहाँ चाओ ये पूरी स्टोरी रेन और ली को बता रहा होता है और ली पूछता है कि अगर तुम यांग के लॉयर थे और तुम्हें पता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है तो तुमने अपील क्यों नहीं की कि तुम्हारे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है, तुमने उसके लिए फाइट क्यों नहीं किया। चाओ बोलता है कि उन लोगों के पास फोटोज थी, उन लोगों के पास वीडियोज थी, उनके साथ पावरफुल लोग थे, मुझे पहले से ही समझ आ गया था कि ये केस जीतना मुश्किल है, इसलिए मैंने यांग को एडवाइस दी कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुमने रिश्वत ली है ताकि तुम्हारी सजा कम हो जाए। यांग चाओ की सजेशन को मान लेता है और वो एक्सेप्ट करता है कि उसने रिश्वत ली है और उसे फिर 2 साल की सजा मिलती है। हम पुराने टाइम में आते हैं जहाँ यांग की सजा खत्म हो जाती है और जब वो बाहर आता है तो उसे चेन और जू पिकअप करने आते हैं। यांग बहुत बदल गया होता है, उसकी हेल्थ खराब हो गई होती है, वो बहुत शांत हो गया होता है। चेन यांग को पूछता है कि अब तुमने क्या करने का सोचा है, तो यांग बोलता है कि जेल में मैंने मोबाइल फोन रिपेयर करने का काम सीखा है तो मैं वही करूंगा। और चेन और जू फिर यांग को एक मोबाइल रिपेयर करने की दुकान खोल के देते हैं। कुछ दिनों बाद यांग की दुकान पर वू के पापा उससे मिलने आते हैं और यांग की हालत देखकर उन्हें बहुत शॉक लगता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम तो टॉपर थे यूनिवर्सिटी में, ये सब काम क्यों कर रहे हो तुम, तो यांग बोलता है कि यही काम मेरे लिए ठीक है। वू के पापा पूछते हैं कि ग्वी के केस का क्या हुआ, तो यांग बहुत इमोशनल होकर बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे ये केस को सॉल्व करना है, मेरे कंधे पे एक बोझा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर मैं मरने से पहले इस केस को सॉल्व नहीं कर सका तो मैं शायद शांति से मर भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं जेल में 2 साल के लिए गया और उतनी देर में इन लोगों ने सारे प्रूफ्स डिस्ट्रॉय कर दिए, मेरे हाथ से सब कुछ 1 by 1 चला गया और अब मेरे पास इस केस से रिलेटेड कुछ भी सबूत नहीं है। वू के पापा बोलते हैं कि मैं इस महीने में रिटायर हो रहा हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं जब सीनियर ऑफिशियल बन गया तो ये फाइल किसी ने मुझे भेजी और यांग जब फाइल खोल के
देखता है तो उसमें एक फोटो होता है और एक लिस्ट होती है लड़कियों के नामों से भरी हुई। यांग को ये फोटो और लिस्ट देखकर कुछ समझ में तो नहीं आता है, लेकिन वू के पापा बताते हैं कि शायद इसी फोटो और इसी लिस्ट के वजह से ग्वी का मर्डर हो गया था और अगर तुम इस लिस्ट पे की लड़कियों को ढूंढ लो तो शायद तुम्हें कोई क्लू मिल जाएगा। यांग चिल्लाता है कि अगर तुम्हारे पास ये पहले से था, अगर तुम्हें पता था कि ये ग्वी के मर्डर से रिलेटेड है तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया? इतने लोग मर गए, मुझे सजा मिली, जू को सजा मिली सिर्फ तुम्हारे चुप रहने की वजह से। वू के पापा बोलते हैं कि उस वक्त मेरे भी हाथ बंधे हुए थे, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी सच बोलने की, और वो यांग के दुकान से चले जाते हैं। यांग फिर इस लिस्ट और इस फोटो को जू और चेन को दिखाता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो मीगाओ जाएंगे और इन लड़कियों को ढूंढेंगे ताकि कोई ना कोई उन्हें सच बता दे। इस सीन में अचानक यांग को बहुत खांसी आती है और वो खून वॉमिट करने लगता है और बेहोश हो जाता है। अगले सीन में यांग हॉस्पिटल में होता है, चाओ और जिंग भी वहां पे आए होते हैं और हमें बताया जाता है कि यांग को कैंसर है और उसके पास सिर्फ कुछ महीने हैं जीने के लिए। हम अभी के टाइम में आते हैं और चियान रिपोर्टर के ऑफिस में लेटर और फोटो आ गया होता है, लेकिन इस बार वो पोस्ट से नहीं आता, किसी ने इस लेटर को दीवार पे चिपकाया होता है और जल्दी ली और रेन इस सीन को इन्वेस्टिगेट करने आ जाते हैं। वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करते हैं और उन्हें दिखता है कि कोई भिखारी इस लेटर को दीवार पे चिपका कर चला जाता है और ली बोलता है कि इस भिखारी के चेहरे पे जूम इन करो और फिर सबको रियलाइज होता है कि यह भिखारी और कोई नहीं जू है जो ये लेटर चिपका के गया है और यहाँ पे एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।